स्वास्थ्य के क्षेत्र में डायनामिक तरंग का कार्य शुरू होता है 2009 में, जब ये डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की 250 बेडेड हॉस्पिटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर नाला प्रखंड जामताड़ा और साहिबगंज के पटना प्रखंड में शुरू करती है और धीरे धीरे कई प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं, जैसे मोबाइल मेडिकल यूनिट, आई केयर सेंटर, मैल न्यूट्रिशन केयर सेंटर्स, कई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स और साथ में एक्सटेंशन हेल्थ प्रोग्राम्स जैसे कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम और आंगनवाड़ी हेल्थ प्रोग्राम। आज ये सेक्टर ग्रामीणों के लिए अपने इलाके में लाइफलाइन बना हुआ है। झारखंड के सुदूर इलाकों में आज भी प्रकृति के साथ सहचर्य करते हुए जनजातियों के अनेक समुदाय सदियों से निवास करते आ रहे हैं। प्रारंभिक जीवन शैली के कारण इनकी स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सुदूर जंगल पहाड़ पर रहने वाले आदिवासियों के पास स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं हैं और कुछ ऐसे दुर्लभ क्षेत्र हैं जहां बरसात के दिनों में डायरिया मलेरिया के प्रकोप से काफी संख्या में लोगों की मृत्यु होती रही है। देखभाल के लिए मिसो क्षेत्र के में 50 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं, जिसमें से दो अस्पताल हमारी कंपनी चला रही है, जो कि एक पटना साहबगंज में है और दूसरा नाला ब्लॉक जामताड़ा में। इसको डायरिया हुआ था, मैंने मनसा पूजा का टाइम में तो उपवास किया था, वो कुछ पूड़ी उड़ी खाया, इसके बाद मीट उट खाया, पैखाना चालू हो गया, 4 बोतल पानी चढ़ाया, इसके बाद तबीयत इसका ठीक हो गया। इसके बाद होने के बाद सब बोली टोली सब बोल रहा था, लेकिन रात को अचानक ही बोली इसको लड़खड़ा गया। हमको अच्छा जानकारी है कि यहाँ इलाज अच्छा होता है, आदमी भी अच्छा होके जाता है, मेरा गांव का 2-4-5 पेशेंट अच्छा होके गया है, इसीलिए यहाँ लाया। नाम आनंद मंडल, उम्र 40 वर्ष, गांव बिसुनपुर, जिला साहिबगंज। हम पहले प्राइवेट बिजली मिस्त्री का काम करते थे। एक दिन हमारे गाँव की बिजली खराब हो गई थी, सरकारी बिजली वाले उसे बना रहे थे, हम भी वहीं खड़े थे। गांव वाले हमसे बोले, तुम भी तो बिजली का काम जानते हो, जरा इनकी मदद कर दो। गांव की बात थी और हम बिजली बनाने के लिए पोल पर चढ़े। फिर हम बिजली वाले से पूछे कि ऊपर से लाइन कटवा लिए हैं ना? बिजली वाला बोला, हाँ, जब तक फोन नहीं करेंगे लाइन नहीं देगा। हम पोल पर चढ़कर काम कर रहे थे, तभी एक झटका सा लगा और हम गिर गए। उसके बाद हमारा क्या हुआ हमें याद नहीं। जब हम होश में आए तो इस अस्पताल में थे। हमको अस्पताल वाले दमदम भेजे बड़ा अस्पताल में, वहाँ हमारा इलाज हुआ और इस पैर में प्लेट भी लगाया गया। फिर हमको इसी अस्पताल में लाकर मेरा 5 दिन इलाज किया गया। अगर यह अस्पताल नहीं होता तो हम मर जाते।